अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपसे बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड को पानी में डिप करिए और फिर इसका कमाल देखिए। इतनी अनोखी और नई रेसिपी है कि ना आपने पहले इसे कभी देखा होगा ना ही आपने बनाया होगा। इतने मज़ेदार कबाब बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले कबाब है। तो चलिए जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्याज चाहिए और एक कैप्सिकम। कैप्सिकम बिल्कुल हाफ ले लेंगे और प्याज ये मीडियम साइज की इस तरीके से कट कर लेंगे छोटे छोटे साइज में। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाने वाले, बिल्कुल दो से तीन चीज़ों में बनने वाले हैं और इतनी यूनिक रेसिपी है कि आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए यहाँ पर कैप्सिकम मैं हाफ ले लूँगी, सिर्फ हाफ की ही ज़रूरत होगी। उसे भी इस तरीके से छोटे छोटे साइज में काट लेंगे। प्याज और कैप्सिकम इस तरीके से एक बोल में निकाल देंगे और इसमें अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 300 ग्राम्स बॉइल्ड एंड श्रेडेड किया हुआ चिकन और यहाँ पर हाफ कप मेयोनीज। मेयोनीज आपको सिर्फ हाफ कप लेना है। यहाँ पर मैंने एक कप से यहाँ पर हाफ ले लिया मैंने। और इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून केचप। बस इसमें मेयो और केचप दो ही चीज़ें जाएगी। ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं होंगे, ज़्यादा क्रीम कुछ भी ऐड नहीं होने वाला है। बस ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री से मेरा चैनल वॉच कर रहे हो। यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। चलिए सेकेंड स्टेप देख लेते हैं क्या करना है। अब हम 6 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इस तरीके से साइड वाला पार्ट निकाल देंगे। और ये साइड वाला पार्ट बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। बस आपको इसको ना हल्का सा ग्राइंड करना है और हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। चलिए सारे ब्रेड के पीसेस के साइड वाले कॉर्नर्स को मैंने निकाल दिया। अब एक प्लेट में 1 ग्लास पानी डाल देंगे और पानी में ब्रेड को इस तरीके से डिप करेंगे। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखिए कि ज़्यादा देर आपको ब्रेड को पानी में नहीं रखना है, जस्ट आप इस तरीके से डिप करेंगे और निकाल देंगे। और इस तरीके से सारा पानी इस तरीके से निकाल देंगे। सारा पानी इस तरीके से स्क्वीज करने के बाद ब्रेड ना ही टूटेगी और ना ही इसका शेप बदलेगा, बिल्कुल वही शेप में रहेगी। बीच में ये जो हमने फिलिंग रेडी की है चिकन की, वो डाल देंगे। भर भर के आपको डालना है, बाहर नहीं निकलेगी। और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। पहले साइड्स के कॉर्नर ले लेंगे। बेसिकली जो चिकन की फिलिंग हमने अंदर रखी है ये बिल्कुल कवर हो जानी चाहिए ब्रेड से, और जो शेप हम देना चाहोगे वो शेप आती जाएगा क्योंकि ब्रेड नरम होगी। जिस शेप में हम करेंगे उसी शेप में आती जाएगी। यहाँ पर मैं कबाब का गोल शेप दे रही हूँ। इस तरीके से साइड से कॉर्नर्स भी यही शेप में कर देंगे, गोल शेप में। और ये देखिए, और ब्रेड का मैं करके बताऊँगी आपको। इस तरीके से जस्ट आपको थोड़ा सा डिप करना है, ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना चाहिए। और इस तरीके से सारा पानी निचोड़ देंगे और ये फिलिंग रखने के बाद ऐसे कम्प्लीटली इसे फोल्ड कर देंगे। फिर क्या होता है ना, फोल्ड करने के बाद भी थोड़ी सी फिलिंग ऊपर से दिखाई देने लगेगी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, एक मैं आपको टिप बताऊंगी। दूसरी ब्रेड स्लाइस का छोटा सा पार्ट लेंगे जिसे पानी में ऑलरेडी डिप किया हुआ होगा, वो पार्ट इसके ऊपर से लगाकर कवर कर लेंगे। मेक श्योर कि सारी फिलिंग कवर हो जानी चाहिए ब्रेड में, और फिर ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। जो हमने ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट हटाकर हमने ग्राइंड किया था वही ब्रेड क्रम से मैंने कोट कर लिया और इस तरीके से परफेक्ट गोल शेप दे देंगे। आप चाहो तो कोई और शेप भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर गोल शेप दिया। कबाब गोल शेप में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कबाब बने हैं। जितने खूबसूरत ही कबाब बने हैं उतने खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये रेसिपी और मेरे रमज़ान के रेसिपीज़ कैसे लग रहे हैं। और इस तरीके से गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पर फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए और दो तरफ बस 5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट आपको ब्रेड ही पकाना है, अंदर से तो सब कुछ पका हुआ है। जैसे इस कबाब को बनाने का तरीका डिफरेंट है ना, इसका टेस्ट भी ऐसे ही डिफरेंट होगा। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से क्रीमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बच्चों को भी स्पेशली ये बहुत पसंद आने वाले हैं। ये एक ऐसे कबाब है जिसे आप स्नैक्स में खा सकते हो और डिनर में दाल के साथ भी इसे आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। देखिए मैं आपको अंदर तोड़ के बताऊँगी, देखिए कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग। ज़रूर से आप ट्राई करना, बहुत पसंद आने वाली है आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं एक बहुत ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।